नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल धमाका जीके पर। दोस्तों आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ पिनेकल SSC सामान्य अध्ययन की बुक के तीसरे एडिशन से अर्थशास्त्र सेक्शन के टॉपिक भारतीय अर्थव्यवस्था, केंद्र समस्याएं और योजना और स्टॉक डिबेंचर और विदेशी व्यापार से संबंधित दिए गए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों को। दोस्तों सभी प्रश्न आपकी प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं और आगे भी आपकी होने वाली परीक्षाओं में इनमें से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप इन प्रश्नों की वीडियो को पूरा जरूर देखें। और वीडियो में दी गया कंटेंट पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलते रहे। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों अभी तक हम कुल अर्थशास्त्र सेक्शन के 9 टॉपिक में 276 प्रश्नों को कवर कर चुके हैं। और दोस्तों ये हमारा अर्थशास्त्र सेक्शन में 10वां टॉपिक है, भारतीय अर्थव्यवस्था, केंद्र समस्याएं और योजना। और दोस्तों इसमें हमारे प्रश्न शुरू हो रहे हैं 277वें प्रश्न से। दोस्तों पहला प्रश्न हमें दिया गया है, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने डैश आयोग की सिफारिशों के अनुरूप विपणन सीजन 2021-22 के लिए सभी अनिवार्य रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP में वृद्धि को मंजूरी दी। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति CCEA ने डैश आयोग की सिफारिशों के अनुरूप विपणन सीजन 2021-22 के लिए सभी अनिवार्य रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दी। तो दोस्तों आपसे आयोग जो बनाया गया था, जिसने MSP की जो ये थी सिफारिशें, तो किस आयोग ने दी थी दोस्तों 2021-22 के वर्ष के लिए? दोस्तों आंसर है इसका स्वामीनाथन आयोग। प्रोफेसर MS स्वामीनाथन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन 18 नवंबर 2004 को किया गया था। स्वामीनाथन आयोग दोस्तों इसमें जो है रबी फसल जो ये दिए गए थे समर्थन मूल्य 2021-22 के लिए, तो उनमें जो न्यूनतम समर्थन मूल्य की जो सिफारिशें थी वो इसी आयोग ने दी थी, स्वामीनाथन आयोग के आयोग ने। इसके जो अध्यक्षता की थी आयोग की वो थे MS स्वामीनाथन। प्रोफेसर MS स्वामीनाथन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन 18 नवंबर 2004 को किया गया था। कोठारी आयोग राष्ट्रीय शिक्षा आयोग से संबंधित है दोस्तों, और ये भारत में शिक्षा के सामान्य पैटर्न को विकसित करने और भारत में शिक्षा के विकास के लिए दिशा निर्देशों और नीतियों की सलाह देने के लिए भारत में शैक्षिक क्षेत्र के सभी पहलुओं की जांच करने के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित एक तदर्थ आयोग था। 1984 के सिख विरोधी दंगों के दौरान निर्दोष सिखों की हत्या की जांच के लिए नानावती आयोग नियुक्त किया गया था। मुखर्जी आयोग 1945 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लापता होने और उसके बाद के घटनाक्रम से संबंधित सभी तथ्यों और प्रस्तुतियों की जांच के लिए बनाया गया था दोस्तों मुखर्जी आयोग। दोस्तों जितने भी आपको अदर ऑप्शन दिए गए थे स्वामीनाथन आयोग के साथ, तो उनके बारे में भी दोस्तों आपको यहाँ पर बता दिया गया है कि कौन कौन सा आयोग किस किस कारण हेतु बनाया गया था, किस किस के लिए बनाया गया था। अगला है दोस्तों प्रश्न 278वां प्रश्न, MSP न्यूनतम समर्थन मूल्य की प्रणाली को पहली बार 1966-67 में डैश के लिए पेश किया गया था और बाद में अन्य आवश्यक खाद फसलों को शामिल करने के लिए इसका विस्तार किया गया। दोस्तों आंसर है इसका ऑप्शन सी गेहूं। आंसर है दोस्तों इसका गेहूं। MSP न्यूनतम समर्थन मूल्य की प्रणाली पहली बार 1966-67 में गेहूं के लिए पेश की गई थी। न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP कृषि उत्पादकों को कृषि कीमतों में किसी भी तेज गिरावट के खिलाफ बीमा करने के लिए भारत सरकार द्वारा बाजार में हस्तक्षेप का एक रूप है। MSP द्वारा कवर की जाने वाली फसलों में शामिल है 7 प्रकार के अनाज जो हैं दोस्तों धान, गेहूं, मक्का, बाजरा, ज्वार, रागी और जो 7 प्रकार के दोस्तों अनाज है, धान, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, रागी और जो 5 प्रकार की दालें हैं, इनके अंतर्गत चना, अरहर, तुअर, उड़द, मूंग और मसूर, 7 प्रकार के तिलहन हैं, रैपसीड यानी कि सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी, तिल कुसुम, राम तिल या फिर काला तिल, और 4 व्यावसायिक फसलें भी हैं दोस्तों, कपास, गन्ना, खोपरा, सूखा नारियल, कच्चा जूट। तो दोस्तों जो है ये MSP के तहत जो है फसलें कवर की जाती है। अगला है दोस्तों प्रश्न 279वां प्रश्न, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग श्रेणी के तहत केंद्र सरकार की नौकरियों में 10% आरक्षण उन व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है जिनकी पारिवारिक आय कम है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग श्रेणी के तहत केंद्र सरकार की नौकरियों में 10% आरक्षण उन व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है जिनकी पारिवारिक आय कम है। आंसर दोस्तों इसका ऑप्शन बी 8 लाख रुपए से कम। 8 लाख रुपए से जिनकी पारिवारिक आय कम है तो उन्हें नौकरियों में 10% जो आरक्षण है वो उसके हकदार होंगे। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EVS श्रेणी के तहत केंद्र सरकार की नौकरियों में 10% आरक्षण उन व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है जिनकी
पारिवारिक आय 8 लाख रुपए से कम है, जिनकी पारिवारिक आय 8 लाख रुपए से कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग के अध्यक्ष है, निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग के अध्यक्ष है। आंसर दोस्तों इसका नरेंद्र मोदी नीति आयोग के अध्यक्ष है। नीति आयोग भारत सरकार का एक सार्वजनिक नीति थिंक टैंक है। जो गठन है दोस्तों नीति आयोग का, वो 1 जनवरी 2015 को किया गया था। 1 जनवरी 2015 को किया गया था दोस्तों नीति आयोग का गठन। और दोस्तों ये आपको पता ही होगा कि दोस्तों ये योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया है नीति आयोग। फिर अमिताभ कांत सीईओ के रूप में तैनात थे, वर्तमान सीईओ हैं इसके अगस्त 2022 में, परमेश्वरन बने थे इसके अगस्त 2022 में, परंतु दोस्तों अब बदले जा चुके हैं इसके सीईओ। इसके सीईओ जो बन चुके हैं नीति आयोग के, वो बन चुके हैं आपके बी वी आर सुब्रमण्यम। ये बने थे दोस्तों फरवरी 2023 में दोस्तों ये बने थे बी वी आर सुब्रमण्यम, ये बन चुके हैं नए नीति आयोग के सीईओ। अगला दोस्तों प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन 1996 में स्थापित विनिवेश आयोग, उद्योग मंत्रालय, सार्वजनिक उद्यम विभाग के अध्यक्ष थे। निम्नलिखित में से कौन 1996 में स्थापित विनिवेश आयोग, उद्योग मंत्रालय, सार्वजनिक उद्यम विभाग के अध्यक्ष थे। आंसर दोस्तों इसका जीवी राम कृष्णन 1996 में स्थापित विनिवेश आयोग, उद्योग मंत्रालय, सार्वजनिक उद्यम विभाग के अध्यक्ष थे। इसे भारतीय सार्वजनिक उपक्रमों के क्रमिक विनिवेश की सलाह, पर्यवेक्षण, निगरानी और प्रचार करने के लिए स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने हिंदू विकास दर शब्द पावली गढ़ी थी। निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने हिंदू विकास दर शब्दावली गढ़ी थी। तो दोस्तों जो ये शब्द है हिंदू विकास दर, ये किसके द्वारा जो है गढ़ा गया था। आंसर दोस्तों इसका राजकृष्ण। शब्दावली हिंदू दर की वृद्धि राजकृष्ण के द्वारा गढ़ी गई थी। विकास की हिंदू दर 1991 के आर्थिक सुधारों से पहले भारत की अर्थव्यवस्था की कम वार्षिक विकास दर का जिक्र है, जो 1950 से 1980 के दशक तक लगभग 3.5% थी, जबकि प्रति व्यक्ति आय वृद्धि औसतन लगभग 1.3% थी। दोस्तों ये शब्द गढ़ा था आपका हिंदू दर की वृद्धि, ये गढ़ा था आपका राजकृष्ण के द्वारा, आप जरूर याद रखें। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन खाद्य सुरक्षा की विशेषता नहीं है। आंसर दोस्तों इसका स्वीकार्यता खाद्य सुरक्षा की विशेषता नहीं है। खाद्य सुरक्षा की 4 विशेषताएं हैं दोस्तों, उपलब्धता, पहुंच, उपयोग और स्थिरता। खाद्य सुरक्षा की 4 विशेषताएं दोस्तों, उपलब्धता, पहुंच, उपयोग और स्थिरता। अगला प्रश्न दोस्तों, 284वां प्रश्न, भारत में कृषि लागत के संदर्भ में MSP क्या है। दोस्तों आंसर इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य। एमएसपी को न्यूनतम समर्थन मूल्य के रूप में जाना जाता है। यह कृषि उपज के लिए एक गारंटीकृत न्यूनतम मूल्य है, जिसे भारत सरकार द्वारा सीधे किसानों से खरीदने का निर्णय लिया जाता है। यह किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है। अगला प्रश्न दोस्तों, 285वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत में फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिशें करता है। दोस्तों आंसर इसका कृषि लागत और मूल्य आयोग भारत में 22 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करता है। अगला प्रश्न दोस्तों, 286वां प्रश्न, औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में हार्टोंग समिति की रिपोर्ट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। दोस्तों आंसर है इसका शिक्षा। शिक्षा 1929 में हार्टोंग समिति ने शिक्षा पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। 1929 में हार्टोंग समिति ने शिक्षा पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। समिति ने कहा कि भारत में लोग एक विशेष स्तर की शिक्षा पूरी करने से पहले अपना स्कूल छोड़ देते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, 287वां प्रश्न, भारत में कृषि मूल्यों का न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार की किस संस्था की सिफारिशों पर भारत सरकार के द्वारा तय किया जाता है। भारत में कृषि फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP सरकार की किस संस्था की सिफारिशों पर भारत सरकार के द्वारा तय किया जाता है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के। भारत में कृषि फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों पर सरकार के द्वारा तय किया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, 288वां प्रश्न हमें दिया गया है,
भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस के बारे में इनकरेक्ट कथन की पहचान करें। भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस के बारे में इनकरेक्ट यानी कि जो गलत कथन है दोस्तों, आपको उसकी पहचान करनी है। दोस्तों कथन हमें दिए गए हैं 1997 से पीडीएस लक्षित उपभोक्ताओं के लिए टीपीडीएस बन गया। दूसरा दोस्तों कथन हमें दिया गया है, पीडीएस की परिकल्पना 1967 में उपभोक्ताओं की मदद के लिए मूल्य समर्थन कार्यक्रम के रूप में की गई थी। पीडीएस की परिकल्पना 1967 में उपभोक्ताओं की मदद के लिए मूल्य समर्थन कार्यक्रम के रूप में की गई थी। तीसरा दोस्तों हमें दिया गया है कथन, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को रियायती मूल्य पर खाद्यान्न मिलता है। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को रियायती मूल्य पर खाद्यान्न मिलता है। और दोस्तों ऑप्शन हमारे पास डी है, कथन हमारे पास डी, देश में पीडीएस को 2007 से बंद कर दिया गया है। तो दोस्तों यही कथन हमारा जो है पीडीएस के बारे में गलत दिया गया है कि देश में पीडीएस को 2007 से बंद कर दिया गया है। 2007 से जो बंद ये अभी नहीं हुए हैं, पीडीएस अभी भी चल रही है। 2007 से देश में पीडीएस को बंद कर दिया गया है दोस्तों, यही कथन जो है ये सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में गलत दिया गया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली दुकानों की एक सरकार द्वारा प्रायोजित श्रृंखला है जिसे समाज के जरूरतमंद वर्गों को बहुत सस्ते दामों पर बुनियादी खाद और गैर खाद वस्तुओं को वितरित करने का काम सौंपा गया है। रेलवे आयोग 1902 में किस सुधारों की सिफारिश करने के लिए नियुक्त किया गया था? रेलवे आयोग 1902 में किस में सुधारों की सिफारिश करने के लिए नियुक्त किया गया था? दोस्तों आंसर है इसका शिक्षा व्यवस्था में। शिक्षा व्यवस्था में लॉर्ड कर्जन ने निष्कर्ष निकाला कि भारतीय विश्वविद्यालय और कॉलेज धीरे धीरे सरकार के खिलाफ प्रचार का केंद्र बनते जा रहे थे। लॉर्ड कर्जन ने निष्कर्ष निकाला कि भारतीय विश्वविद्यालय और कॉलेज धीरे धीरे सरकार के खिलाफ प्रचार का केंद्र बनते जा रहे थे, इसलिए उन्होंने सर थॉमस रेले के तहत रेले आयोग की नियुक्ति की। रेले बिल जब एक अधिनियम बन गया तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 कहा गया, तो उसे दोस्तों भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 कहा गया रेले बिल को, जब यह अधिनियम बन गया उसके बाद। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2017 से प्रभावी नई WPI श्रृंखला का आधार वर्ष निम्नलिखित में से कौन सा है? अप्रैल 2017 से प्रभावी नई WPI यानी कि थोक मूल्य सूचकांक श्रृंखला का आधार वर्ष निम्नलिखित में से कौन सा है? आंसर दोस्तों इसका वर्ष 2011 से 12। थोक मूल्य सूचकांक थोक व्यवसायों द्वारा अन्य व्यवसायों को बेचे गए और थोक में व्यापार किए गए सामानों की कीमतों में बदलाव को मापता है। थोक मूल्य सूचकांक थोक व्यवसायों द्वारा अन्य व्यवसायों को बेचे गए और थोक में व्यापार किए गए सामानों की कीमतों में बदलाव को मापता है। 2011 से 12 अप्रैल 2017 से प्रभावी नहीं WPI यानी कि थोक मूल्य सूचकांक श्रृंखला का आधार वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, न्यूनतम समर्थन मूल्य डैश द्वारा घोषित किया जाता है? न्यूनतम समर्थन मूल्य डैश के द्वारा घोषित किया जाता है। आंसर दोस्तों इसका आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति। आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति हर साल MSP की घोषणा करती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP एक कृषि उत्पाद मूल्य है जिसे भारत सरकार द्वारा सीधे किसान से खरीदने के लिए निर्धारित किया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों 92वां प्रश्न, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण किसके मार्गदर्शन में तैयार किया जाता है? भारत का आर्थिक सर्वेक्षण किसके मार्गदर्शन में तैयार किया जाता है? मुख्य आर्थिक सलाहकार के मार्गदर्शन में। मुख्य आर्थिक सलाहकार के मार्गदर्शन में। अगला प्रश्न है, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण किसके मार्गदर्शन में तैयार किया जाता है? भारत का आर्थिक सर्वेक्षण किसके मार्गदर्शन में तैयार किया जाता है? आंसर इसका मुख्य आर्थिक सलाहकार के मार्गदर्शन में। मुख्य आर्थिक सलाहकार के मार्गदर्शन में। मुख्य आर्थिक सलाहकार आर्थिक मामलों का विभाग वित्त मंत्रालय हर साल केंद्रीय बजट से ठीक पहले संसद में भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करता है। इसे वित्त मंत्रालय से जुड़े मुख्य आर्थिक सलाहकार के मार्गदर्शन में तैयार किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में खाद्यान्न का भंडारण कौन बनाए रखता है? भारत में खाद्यान्न का भंडारण कौन बनाए रखता है? आंसर दोस्तों इसका FCI भारतीय खाद्य निगम एक सरकारी निकाय है जो उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के खाद्य और सार्वजनिक वितरण के तहत काम करता है। इसका मुख्य काम भोजन के बफर स्टॉक को भंडारित करना है। FCI भारतीय खाद्य निगम एक सरकारी निकाय है जो उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के खाद्य और सार्वजनिक वितरण के तहत काम करता है। इसका मुख्य काम भोजन के बफर स्टॉक को भंडारित करना है। 294वां प्रश्न है, सरकार द्वारा
कितनी अधिष्ठ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है? आंसर दोस्तों इसका 22। सरकार ने 22 अनिवार्य फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP और गन्ने के लिए उचित और लाभकारी मूल्य FRP की घोषणा की। अनिवार्य फसलें खरीफ मौसम की 14 फसलें, 6 रबी फसलें और 2 अन्य व्यावसायिक फसलें हैं। अगला प्रश्न है, इस फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की बजाय उचित और लाभकारी मूल्य की घोषणा की जाती है? इस फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की बजाय उचित और लाभकारी मूल्य की घोषणा की जाती है? आंसर दोस्तों इसका गन्ना। गन्ना सरकार ने 22 अनिवार्य फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य और गन्ने के लिए उचित और लाभकारी मूल्य FRP की घोषणा की। अनिवार्य फसलें खरीफ मौसम की 14 फसलें, 6 रबी फसलें और 2 अन्य व्यावसायिक फसलें हैं अगला प्रश्न है, वह कोष जिसमें केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के विनिवेश से प्राप्त आय को भेजा जाता है डैश के रूप में जाना जाता है। वह कोष जिसमें केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के विनिवेश से प्राप्त आय को भेजा जाता है डैश के रूप में जाना जाता है दोस्तों आंसर है इसका ऑप्शन सी, राष्ट्रीय निवेश निधि। राष्ट्रीय निवेश निधि। इस फंड में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के निवेश से प्राप्त आय को चैनलाइज किया जाता है यानी कि भेजा जाता है, उसे राष्ट्रीय निवेश कोष के रूप में जाना जाता है। 297 प्रश्न दोस्तों दिया गया है, निम्न में से किसके विरुद्ध न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों की रक्षा करता है? निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों की रक्षा करता है? दोस्तों दिए गए आपके ऑप्शन है, अप्रत्याशित रोगों या कीट संक्रमण के कारण फसलों का नुकसान, स्थानीय मुद्रा, कर्जदाताओं द्वारा ब्याज की उच्च दर, अत्यधिक सूखा, बाढ़ या कोई अन्य प्राकृतिक आपदा, या ऑप्शन डी, बंपर उत्पादन के दौरान कीमत में अत्यधिक गिरावट। बंपर उत्पादन के दौरान कीमत में अत्यधिक गिरावट दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। जो ऑप्शन डी है दोस्तों वो बंपर उत्पादन के दौरान कीमत में अत्यधिक गिरावट के विरुद्ध न्यूनतम समर्थन मूल्य की किसानों की रक्षा करता है। MSP किसानों को गारंटी देता है कि उनका उत्पादन कम से कम उस कीमत पर बेचा जाएगा जो सरकार द्वारा पहले से तय की जाती है। तो बंपर उत्पादन की स्थिति के दौरान किसानों को एक सुरक्षा है कि कीमत में गिरावट नहीं होगी। अगला प्रश्न है, भारत में कीमतों में वृद्धि के कारण सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को अनुक्रमित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? भारत में कीमतों में वृद्धि के कारण सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को अनुक्रमित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? आंसर दोस्तों इसका ऑप्शन बी, उपभोक्ता कीमत सूचकांक का। औद्योगिक महंगाई भत्ता यानी के IDA केंद्र सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों पर लागू होता है। सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए औद्योगिक महंगाई भत्ता में मुद्रास्फीति के बढ़ते स्तरों के प्रभाव को ऑफसेट करने में मदद करने के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर तिमाही संशोधन किया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए औद्योगिक महंगाई भत्ता में मुद्रास्फीति के बढ़ते स्तरों के प्रभाव को ऑफसेट करने में मदद करने के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर तिमाही संशोधन किया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों 299 प्रश्न, वह बचत निधि जिसमें कर्मचारी के हित में नियोक्ता और कर्मचारी दोनों नियमित रूप से योगदान देते हैं क्या कहलाती है? आंसर दोस्तों इसका भविष्य निधि। EPF सरकारी सार्वजनिक या निजी क्षेत्र के संगठनों में काम करने वाले सभी कर्मचारियों के लिए बचत का मुख्य प्लेटफॉर्मों में से ये एक है। यह एक प्रकार की योजना है जिसमें किसी के वेतन का एक निश्चित हिस्सा काट लिया जाता है और नियोक्ता भी इसमें एक निश्चित राशि जोड़ता है और फिर पूरी राशि बचत खाते में डाल दी जाती है अगला प्रश्न दोस्तों, भारत सरकार द्वारा गठित किस पैनल ने चीनी उद्योग के पूर्ण विनियंत्रण को सुझाव दिया था? भारत सरकार के द्वारा गठित किस पैनल ने चीनी उद्योग के पूर्ण विनियंत्रण का सुझाव दिया था? आंसर दोस्तों इसका रंगराजन पैनल ने। नवंबर 2012 में चीनी उद्योग के पूर्ण नियंत्रण के लिए भारत सरकार द्वारा रंगराजन पैनल की स्थापना की गई थी। अप्रैल 2013 में सरकार ने चीनी के आंशिक विनियंत्रण की घोषणा की। अगला प्रश्न दोस्तों, न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP डैश द्वारा अनुशासित है। दोस्तों आंसर है इसका कृषि लागत और मूल्य आयोग।
कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा एमएसपी की सिफारिश की जाती है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति हर साल भिन्न प्रकार की फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है। औद्योगिक उत्पादन के अखिल भारतीय सूचकांक आईआईपी की गणना के लिए आधार वित्तीय वर्ष है। औद्योगिक उत्पादन के अखिल भारतीय सूचकांक की गणना के लिए आधार वित्तीय वर्ष है 2011 से 12 का। अर्थशास्त्र में आधार वर्ष का उपयोग तुलना के शुरुआती बिंदु को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय सीएसओ ने अखिल भारतीय औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आईआईपी के आधार वर्ष को 2004-05 से संशोधित करके 12 मई 2017 को 2011 से 12 कर दिया था। अटल टिंकरिंग लैब्स निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा एक पहल है? दोस्तों आंसर है इसका नीति आयोग। नीति आयोग अटल टिंकरिंग लैब्स नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया यानी कि नीति आयोग की एक ये पहल है अटल टिंकरिंग लैब्स। इस योजना का उद्देश्य युवा मन में जिज्ञासा, रचनात्मकता और कल्पना को बढ़ावा देना और डिजाइन मानसिकता, कंप्यूटेशनल सोच, अनुकूली शिक्षा, भौतिक कंप्यूटिंग जैसे कौशल विकसित करना आदि है। 304 प्रश्न दोस्तों दिया गया है। अर्थशास्त्र के मैंकिप सिद्धांत के अनुसार किसी देश का जीवन स्तर देश की डैश पर निर्भर करता है। दोस्तों आंसर इसका वस्तु एवं सेवाओं को क्रय करने की क्षमता पर। मैनकीप का अर्थशास्त्र का आठवां सिद्धांत है। किसी देश का जीवन स्तर उसकी वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन की क्षमता पर निर्भर करता है। दोस्तों वीडियो में दिया गया कंटेंट पसंद आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। दोस्तों आगे हमारे पास प्रश्न है 305 प्रश्न। दोस्तों अर्थशास्त्र का कौन सा सिद्धांत कहता है कि देश उन चीजों का निर्यात करते हैं जिनका वे सर्वाधिक कुशलता से तथा प्रचुर मात्रा में उत्पादन कर सकते हैं? आंसर दोस्तों इसका हैक्शर ओहिन मॉडल HO मॉडल में कहा गया है कि देश निर्यात करते हैं जो वे सबसे अधिक कुशलता पूर्वक और भरपूर उत्पादन कर सकते हैं। दोस्तों आगे हमारे पास टॉपिक स्टॉक डिबेंचर और विदेशी व्यापार। और दोस्तों ये हमारा अर्थशास्त्र सेक्शन में 11वां टॉपिक है। प्रश्न दोस्तों शुरू हो रहे हमारे 306 प्रश्न से। निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है? आंसर दोस्तों इसका BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। BSE भारत में सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भारत का पहला और सबसे बड़ा प्रतिभूति बाजार है और इसकी स्थापना 1875 में हुई थी। BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स शीर्षक वाला सूचकांक शीर्ष डैश कंपनियों के व्यापार की मात्रा उनके शेयर की कीमतों के मामले में व्यापार का एक सूचकांक है। आंसर दोस्तों इसका 30। BSE तत्कालीन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स शीर्षक वाला सूचकांक व्यापार की मात्रा उनके शेयर की कीमतों के मामले में शीर्ष 30 कंपनियों के व्यापार का एक सूचकांक है। सेंसेक्स का फुल फॉर्म सेंसिटिव इंडेक्स होता है। 1 जनवरी 1986 को प्रकाशित BSE सेंसेक्स को भारत में घरेलू शेयर बाजारों की नब्ज के रूप में माना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम यानी कि फेरा को बदलने के लिए विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा किस वर्ष लागू किया गया था? दोस्तों आंसर है इसका 1999 में। संसद ने विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1973 को बदलने के लिए विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 को अधिनियमित किया। यह अधिनियम 1 जून 2000 को लागू हुआ। फेरा का स्थान लिया दोस्तों फेमा ने, वे लागू हुआ 1 जून 2000 से। अगला प्रश्न है
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया की डैश स्टॉक एक्सचेंज है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया की डैश स्टॉक एक्सचेंज है। आंसर दोस्तों इसका ये पहली है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में स्थापित एक निश्चित पूंजी स्टॉक प्राप्त करने वाली पहली संयुक्त स्टॉक कंपनी थी और इसके परिणाम स्वरूप एम्स्टर्डम एक्सचेंज में कंपनी के स्टॉक में निरंतर व्यापार हुआ। 310 प्रश्न दोस्तों में दिया गया है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सोने और डैश में कमोडिटी डेरिवेटिव अनुबंध शुरू करने वाला भारत का पहला स्टॉक एक्सचेंज बन गया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सोने और डैश में कमोडिटी डेरिवेटिव अनुबंध शुरू करने वाला भारत का पहला स्टॉक एक्सचेंज बन गया। आंसर दोस्तों इसका चांदी, सोने और चांदी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सोने और चांदी में कमोडिटी डेरिवेटिव अनुबंध शुरू करने वाला भारत का पहला स्टॉक एक्सचेंज बन गया। बीएससी की स्थापना 1875 में कपास व्यापारी प्रेमचंद रायचंद के द्वारा की गई थी और यह दलाल स्ट्रीट मुंबई में स्थित है और यह एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है और यह एशिया का सबसे पुराना और यह पहला स्टॉक एक्सचेंज है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसकी स्थापना की थी 1875 में और इसी ने चांदी और सोने में जो है कमोडिटी डेरिवेटिव अनुबंध शुरू करने वाला यह भारत का पहला स्टॉक एक्सचेंज भी बना था। अगला प्रश्न है 311 प्रश्न, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1875 में। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 1875 में स्थापित और मुंबई में दलाल स्ट्रीट पर स्थित दक्षिण एशिया में सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है और दुनिया में 10वां सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है और दुनिया में 10वां सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। इसकी स्थापना हुई थी 1875 में। 312 प्रश्न दोस्तों में दिया गया है, डैश एक अर्थव्यवस्था में बहुत कम ब्याज दर की एक स्थिति है जिसमें प्रत्येक आर्थिक एजेंट भविष्य में ब्याज दर के बढ़ने तथा परिणाम स्वरूप बांड की कीमतें घटने जिसके कारण पूंजी की हानि होती है की उम्मीद करता है। डैश एक अर्थव्यवस्था में बहुत कम ब्याज दर की एक स्थिति है जिसमें प्रत्येक आर्थिक एजेंट भविष्य में ब्याज दर के बढ़ने तथा परिणाम स्वरूप बांड की कीमतें घटने जिसके कारण पूंजी की हानि होती है उम्मीद करता है। दोस्तों आंसर होगा ऑप्शन डी, तरलता पाश। हम इसका विस्तार रूप देखते हैं दोस्तों। तरलता पाश एक विरोधाभासी आर्थिक स्थिति है जिसमें ब्याज दरें बहुत कम होती हैं और बचत की दरें अधिक होती हैं, इसमें आर्थिक नीति अप्रभावी हो जाती है। तरलता पाश एक विरोधाभासी आर्थिक स्थिति है जिसमें ब्याज दरें बहुत कम होती हैं और बचत दर अधिक होती है जिसमें आर्थिक नीति अप्रभावी हो जाती है। 313 प्रश्न दोस्तों में दिया गया है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में पहला एक्सचेंज ट्रेड इंडेक्स डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट कारोबार किस वर्ष किया गया था? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में पहला एक्सचेंज ट्रेड इंडेक्स डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट कारोबार किस वर्ष किया गया था? आंसर दोस्तों इसका 2000 में। बीएससी ने 9 जून 2000 को भारत में पहला एक्सचेंज ट्रेडेड इंडेक्स डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट यानी के पूंजी बाजार बेंचमार्क इंडेक्स बीएसई सेंसेक्स पर फ्यूचर लॉन्च करके इतिहास रच दिया था। अगला प्रश्न है 314 प्रश्न, भारत में स्टॉक मार्केट के विनियमन के लिए कौन सी केंद्रीय एजेंसी जिम्मेदार है? भारत में स्टॉक मार्केट के विनियमन के लिए कौन सी केंद्रीय एजेंसी जिम्मेदार है? ऑप्शन डी सेबी। आंसर दोस्तों इसका सेबी। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी के सेबी अधिनियम 1992 के तहत स्थापित नियामक प्राधिकरण है और भारत में स्टॉक एक्सचेंजों के लिए एक ये प्रमुख नियामक है। 315 प्रश्न दोस्तों दिया गया है, डैश शेयर किसी बड़ी अच्छे से स्थापित और कई वर्षों से संचालित हो रही वित्तीय दृष्टिकोण से सुदृढ़ कंपनी का शेयर होता है। डैश शेयर किसी बड़ी अच्छे से स्थापित और कई वर्षों से संचालित हो रही वित्तीय दृष्टिकोण से सुदृढ़ कंपनी का शेयर होता है। आंसर दोस्तों इसका ब्लू चिप। स्टॉक खरीदने के लिए एक लोकप्रिय स्टॉक है क्योंकि वे स्थिर कंपनियों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो अक्सर आकर्षक लाभांश का भुगतान करते हैं। 316 प्रश्न दोस्तों में दिया गया है, अर्थशास्त्र में आईपीओ का पूर्ण रूप डैश है। दोस्तों आंसर इसका इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। आईपीओ का अर्थ है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब समाचार मीडिया की रिपोर्ट करता है कि एक कंपनी सार्वजनिक जा रहा है, इसका मतलब है कि कंपनी एक प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश कर रही है।
पहली बार जनता को बिक्री के लिए अपने शेयर ऑफर कर रही है। इसका मतलब है कि कंपनी पहली बार जनता को बिक्री के लिए अपने शेयर ऑफर कर रही है। दोस्तों ये हमारा अंतिम प्रश्न है, 317 प्रश्न परिवर्तनशील विनिमय दर प्रणाली में विनिमय दरों के संबंध में दीर्घकालीन भविष्यवाणी करने के लिए किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। परिवर्तनशील विनिमय दर प्रणाली में विनिमय दरों के संबंध में दीर्घकालीन भविष्यवाणी करने के लिए किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों आंसर है इसका क्रय शक्ति समता सिद्धांत, क्रय शक्ति समता सिद्धांत का, क्रय शक्ति समानता पीपीपी सिद्धांत का उपयोग लचीली विनिमय दर प्रणाली में विनिमय दरों के बारे में लंबे समय तक भविष्यवाणी करने के लिए किया जाता है। क्रय शक्ति समानता सिद्धांत का उपयोग लचीली विनिमय दर प्रणाली में विनिमय दरों के बारे में लंबे समय तक भविष्यवाणी करने के लिए किया जाता है। दोस्तों इसी अंतिम प्रश्न के साथ अर्थशास्त्र सेक्शन के टॉपिक भारतीय अर्थव्यवस्था, केंद्रीय समस्या और योजना और स्टॉक डिबेंचर और विदेशी व्यापार से संबंधित दिए गए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न हमारे पूरे होते हैं। दोस्तों वीडियो में दिए गए कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलते रहे। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।